मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। ये पंक्ति दी है हमारे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन वीरों की जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। कई दशकों के कड़े संघर्ष के बाद, कई त्याग और बलिदान देने के बाद, कई कुर्बानियां देने के बाद, मतवालों की गोलियां हिंदुस्तान के नाम करने के बाद, 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी की पहली सुबह देखी थी। अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद भारत ने आखिरकार 15 अगस्त को आजाद हवा में सांस ली और आजाद सुबह का सूरज देखा और भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। आज हम आपको बताएंगे कि भारत की आजादी की कहानी उत्तराखंड के बिना कैसे अधूरी है, आजादी के आंदोलन में उत्तराखंड की क्या अहम भूमिका रही और कैसे अल्मोड़ा की क्रांति ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजादी मिली। देश की आजादी की कहानी त्याग बलिदान से भरी है। लाखों हिंदुस्तानियों ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी। आजादी के मतवालों ने सीने पर गोलियां खाकर अंग्रेजी हुकूमत को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को आजाद करवाने में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव हुमाड़ के 8 क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ त्याग कर देश को आजाद करवाने में बहुत बड़ा बलिदान दिया है। शुरुआत करते हैं 8 अगस्त 1942 से। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचा देश उठ खड़ा हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्मोड़ा में आंदोलन की अगुवाई करते हुए 8 क्रांतिकारी शहीद हुए और 9 अगस्त की सुबह महात्मा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत की गिरफ्तारी का असर कुमाऊं पर भी पड़ा। कुमाऊं मंडल भारत के उत्तराखंड राज्य के 2 प्रमुख मंडलों में से एक है। इसके बाद कुमाऊं के लोगों ने आंदोलन की मशाल को और तेज कर दिया। उसके बाद 25 अगस्त 1942 को सैकड़ों लोग तिरंगे, ढोल, नगाड़ों के साथ दामदेव पर जमा होने लगे। खबर मिली कि अंग्रेज फौज पूरे दल बल के साथ गांव की तरफ आ रही है। हवाई फायरिंग से जनता भड़क गई। मैदान पूरी तरह युद्ध में तब्दील हो गया। एक तरफ दल बल के साथ ब्रिटिश सेना थी, दूसरी तरफ कुमाऊं के निहत्थे स्वतंत्रता सेनानी थे। ब्रिटिश सैनिकों ने स्वतंत्रता सेनानियों पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली चेकुना गांव निवासी नरसिंह धक के पेट में लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए। फिर 5 सितंबर 1942 को अंग्रेजी हुकूमत ने एसडीएम जॉनसन को विद्रोह समाप्त करने के लिए भेजा। उस समय कुमाड़ में आंदोलनकारियों की बड़ी जेग जनसभा चल रही थी। तत्कालीन एसडीएम जॉनसन ने भीड़ पर अंग्रेज सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। गोलीबारी में अल्मोड़ा के देघाट में भी हरिकृष्ण उक्ति और हीरामणि बड़ोला सहित 6 क्रांतिकारी शहीद हो गए और अपने प्राण देश के नाम न्यौछावर कर दिए। आजादी की लड़ाई में आज भी अल्मोड़ा जिले का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। अल्मोड़ा के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को भारत आजाद होने तक चैन से नहीं बैठने दिया। देश की आजादी के लिए जान न्यौछावर करने वालों में कुछ गुमनाम शहीद भी। अल्मोड़ा की क्रांति को आज भी बड़े फक्र के साथ याद किया जाता है। आगे की खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। जहां कहीं भी सुधार की गुंजाइश हो जरूर लिखिएगा। देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।